Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. Today, 30th January 2019, Wednesday, and now it's 8:11. Second last day hai before expiry, monthly expiry of derivative contracts. So, थोड़ा सा जो सेफ ट्रेडर्स है वो अवॉइड करे ट्रेड करना, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट डे बजट का भी दिन है. तो जैसे ही ये सब न्यूज आते रहता है बजट के बारे में, तो मार्केट उस तरह से वोलेटाइल मूव दिखाता है. तो सेफ ट्रेडर्स बेहतर है कि इन दो दिन थोड़ा सा मार्केट से दूर रहे. ठीक है, जो कंपल्सिव ट्रेडर्स है वो ही राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करे. तो आज क्या हो सकता है निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स, ये देखते हैं. लेकिन उससे पहले जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हम रोज हर सुबह ये वीडियो पब्लिश करते हैं अराउंड 8:30 AM. अगर आपने इसे सब्सक्राइब किया इस चैनल को, तो उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जैसे ही ये वीडियो अपलोड होता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर आपको मिल जाएगी और मार्केट आवर्स के पहले आप ये वीडियो देख पाएंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 29 जनवरी 2019 आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो कल की स्ट्रैटेजी के हिसाब से ब्रेकआउट लेवल हमारा बन रहा था 10,699 और फर्स्ट टारगेट था 10,724. और अगर साउथ की तरफ बढ़ता है तो ब्रेकडाउन लेवल था 10,630 और फर्स्ट टारगेट था 10,605. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का, और इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड का कैंडलस्टिक हमें कल का डेटा प्रेजेंट कर रहा है. तो जैसे ही हमारा ये जो ब्रेकडाउन लेवल है यहाँ पर ब्रेक होता है, सुबह यहाँ पर पेनेट्रेट हो रहा था ब्रेकडाउन लेवल, ब्रेक नहीं हुआ था, इसके नीचे सस्टेन हुआ अराउंड 12 बजे के बाद. तो ब्रेकडाउन होने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट 10,605 और सेकंड टारगेट 10,593 ये दोनों अचीव्ड हुए, और यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट किया काफ़ी देर, और फिर से एक बार टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ हमें मूव दिखाई दिया. तो कल के इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अराउंड 35 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और अगर 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 26,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस, कल के स्ट्रैटेजी का एक क्विकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट पे चलते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाएंगे. कल ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा प्रेशर दिखाई दिया था, हालांकि थोड़ा संभलते हुए दिखाई दिए ग्लोबल मार्केट्स. जोन्स 51 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ, नासडैक 57 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ. यूरोपियन मार्केट देखे तो हरे निशान में बंद हुए, लेकिन आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई चाइना मार्केट और हांगकॉन्ग मार्केट में तीनों में भी अभी भी प्रेशर दिखाई दे रहा है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी फिलहाल हल्की से बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, 31 पॉइंट की बढ़त है. एसजीएक्स निफ्टी अभी मामूली सी 1.5 की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. तो देखते हैं निफ्टी एनालिसिस करते हैं, आज की क्या इंट्राडे लेवल्स होंगी ये देखते हैं. यह है वीकली चार्ट, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए पोजिशंस देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं ये 50% का ये जो लेवल था ये पेनेट्रेट हो रहा है काफ़ी वीक से, पास्ट वीक 7-8 वीक हो चुके हैं. इसके ऊपर क्लोज नहीं मिल रहा है, सिग्नल के बाद कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, और फिर से एक बार अभी टूवर्ड साउथ की तरफ मूव कर रहा है. तो यहाँ पर ये जो 50 EMA का ये लाइन है और ये 38.2% का ये जो लेवल है 10,675, इसने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम किया है पास्ट में. 1, 2, 3, 4 वीक यहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट किया, तो हो सकता है इस वीक भी, अभी 2 ट्रेडिंग सेशंस बाकी है, हो सकता है ये लेवल पेनेट्रेट हो और इस लेवल के ऊपर ही इस वीक हमें क्लोज दिखाई दे. ठीक है, ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो हमें 10,400 के लेवल्स एज पर वीकली चार्ट यहाँ पर दिख सकते हैं, और उसके बाद अगर ये भी ब्रेक होता है तो 100 EMA का ये जो ग्रे लाइन है यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है, जो कि अराउंड 10,250 के पास है, और ऊपर में 10,880 ये हर्डल का काम कर रहा है कई सारे वीक से. ठीक है, यह है वीकली चार्ट का सिनेरियो. चलते हैं डेली चार्ट में. डेली चार्ट में ये जो ट्रेंड लाइन है इसका हमने देखा कैसे पास्ट में इसने सपोर्ट का काम किया और अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और इसके बाद इसने यहाँ पर एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक का पैटर्न बनाया और उसके बाद ये डाउनफॉल हमें दिखाई दिया. तो कल क्या हुआ, कल यहाँ पर एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक बना है. ठीक है, ये लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं,
अगर डाउन ट्रेंड में आता है तो उसके बाद एक अप मूव आने का चांसेस होता है, ठीक है। ये सिग्नल है, कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनना बहुत जरूरी है। ये प्रोबेबिलिटी है ऐसा ही होगा, ये कहा नहीं जा सकता, ठीक है। कल एग्जैक्ट इसने ये जो लेवल था 10,675, ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पर जो पास्ट में इसने दो बार यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया था, एग्जैक्ट उसी लेवल के पास इसने फिर से एक बार सपोर्ट टेस्ट किया। ये थर्ड टाइम था, ये एक बार कल और ये पास्ट में इसने दो बार यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया, और सपोर्ट टेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अपमूव आया था। तो हो सकता है यहाँ से एक फिर से एक अपमूव आए। अभी ये डाउन ट्रेंड है, क्लियरली ये डाउन ट्रेंड है, तीनों मूविंग एवरेज इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ से कोई भी अपमूव आता है तो इन लेवल्स को फिर से ब्रेक करना बहुत जरूरी है, हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनना बहुत जरूरी है, तो हम इसे अप ट्रेंड कह सकते हैं। अभी फिलहाल ये जो 10,790 ये जो यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था, ये अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये ऊपर में आकर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ठीक है। तो ये है डेली चार्ट का सिनेरियो। अगर ये लेवल अगर ब्रेक होता है 10,589 तो 10,523 ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर डेली चार्ट में कुछ ऐसा सिनेरियो है। फिर चलते हैं 60 मिनट के चार्ट के ऊपर, क्विकली इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाते हैं। यह है 60 मिनट का चार्ट। अगर निफ्टी इंडेक्स कल का अगर ये लो और ये जो सपोर्ट वन का पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है इसे अगर ब्रेक करता है कंफर्टेबली इसे अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन हम बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। अगर ये इसे इस लेवल को ब्रेक करता है 10,582 तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसे ब्रेक करना बहुत जरूरी है। और ऊपर की तरफ अगर 10,700 जो कि 20 EM है आज पर आर्ली चार्ट, एग्जैक्ट उसी जगह आ रहा है, तो इस लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए, इसके ऊपर सस्टेन करने दीजिए, तभी इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,725, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट 10,748, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये थी आज के लिए इंट्राडे स्ट्रैटेजी निफ्टी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कर सकते हैं और आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच और हैप्पी ट्रेडिंग।